सीमा एक विधवा औरत थी। हाल ही में एक एक्सीडेंट में उसके पति की मौत हो जाती। सीमा अपने बच्चों अंजलि और राहुल के साथ एक छोटे से घर में रहा करती थी। सीमा के सर पर बहुत सारी जिम्मेदारियां थी। पति के जाने के बाद उसे बच्चों का भी ख्याल रखना था, साथ ही अपनी बूढ़ी सास विमला का भी ख्याल रखना था। इतना सब कुछ होने के बावजूद सीमा हार नहीं मानती और दिहाड़ी मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालती है। एक शाम सीमा काम करके घर की ओर आ रही थी। सीमा को एक खेत नजर आता है। उस खेत में काफी सुंदर सुंदर पालक लगे हुए थे। पालक देखकर सीमा को पालक की सब्जी खाने का मन करता है। इस खेत में कितने सुंदर पालक लगे हुए हैं, पालक देखकर तो आलू पालक की सब्जी बनाने का मन कर रहा है, क्यों ना थोड़े से पालक इसमें से तोड़ लो। सीमा उस खेत में जाती है और थोड़े से पालक तोड़ने लगती है। तभी वहां खेत का मालिक आ जाता है और वो सीमा पर गुस्सा करते हुए कहता है, अरे अरे, तुम्हें चोरी करते हुए शर्म नहीं आई क्या? अगर पालक चाहिए थी तो मुझसे मांग लेती, लेकिन तुम मुझसे बिना पूछे मेरे खेत में जाकर पालक तोड़ रही हो। माफ करना भाई साहब, मुझसे भूल हो गई। मुझे ये खुला हुआ खेत नजर आया तो मैंने सोचा थोड़े से पालक ले लेती हूँ, क्योंकि मुझे पालक की सब्जी खाने का मन कर रहा था। बाकी आप मुझे माफ कर दीजिए, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। ऐसे कैसे जाओगी? अब जब तुमने पालक तोड़ ही ली है तो ले लो, लेकिन आगे से ध्यान रखना, कभी किसी के खेत में इस तरह से मत जाना, और जब तक खेत के मालिक से तुम्हें परमिशन ना मिले तब तक उसकी सब्जियों को हाथ भी मत लगाना। ठीक है भाई साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी मैंने आपसे बिना पूछे आपके खेत में पालक को तोड़ा, उसके लिए मैं तहे दिल से आपसे माफी चाहती हूँ। सीमा वो पालक लेकर अपने घर आ जाती है। सीमा उन पालक को धोकर एक थाली में रख देती है। सीमा जैसे ही चाकू से पालक काटने ही वाली थी कि तभी पालक से आवाज आती है, सीमा हमें मत काटो, हम कोई आम पालक नहीं है बल्कि एक जादुई पालक है, और अगर तुमने हमें काट दिया तो हम मर जाएंगे। अरे कौन है, मेरे सामने आओ। अरे तुम एक बार पालक की ओर देखो, अपने आप तुम्हें पता चल जाएगा कि यह तुमसे बातें कर रहे हैं। सीमा पालक की ओर देखती है। क्या जादुई पालक? ये कैसे हो सकता है? और अगर तुम जादुई पालक हो तो मेरे पास क्या कर रही हो? अपनी दुनिया में वापस जाओ। हमें उस खेत से तोड़कर भी तो तुम ही लाई हो ना, तो अब हम तुम्हारे ही साथ रहेंगे। बस तुमसे यह विनती है कि तुम हमें मत काटो, अगर तुमने हमें काट दिया तो हम मर जाएंगे। मुझे नहीं पता था कि तुम जादुई पालक हो। माफ करना अगर मुझसे जाने अनजाने में कोई भूल हो गई हो तो। मैं तो बस मेरा आलू पालक खाने का मन कर रहा था, इसलिए मैंने पालक तोड़ लिया। अगर मुझे पता होता कि तुम जादुई हो तो मैं तुम्हें कभी नहीं तोड़ती। तुम बहुत मासूम हो। अगर तुम्हारा आलू पालक खाने का मन कर रहा है तो तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हम अभी तुम्हारी इच्छा पूरी कर देते हैं। इतना बोलकर वह जादुई पालक सीमा के सामने बहुत ही स्वादिष्ट आलू पालक की सब्जी और पराठे प्रकट कर देती है। यह देखकर सीमा बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, खाना दिखने में काफी स्वादिष्ट है। आज तो मेरे बच्चे और मेरी सासू माँ पेट भर के खाना खाएंगे। ऐसा लग रहा है बरसों बाद आज हमारे घर में बढ़िया खाना आया है। रुको, मैं तुम्हारे लिए मीठे में अभी कुछ मंगाती हूँ। इतना बोलकर जादुई पालक सीमा के आगे मीठे में खीर और गुलाब जामुन मंगा देती है। यह देखकर सीमा बहुत खुश होती है। थोड़ी देर में सीमा के बच्चे और सास वहां पर खाना खाने के लिए आ जाते हैं। बच्चे इतना बढ़िया खाना देखकर बोलते हैं, अरे वाह माँ, आज तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया है, आज तुम्हारी सैलरी मिली है क्या? अरे तुम खाना खाओ ना, कितना सवाल जवाब करती हो। अरे माँ, बताओ ना, आज कुछ स्पेशल है क्या? जो तुमने गुलाब जामुन और ये पराठे बनाए हुए हैं, ये सब खाए हुए तो बरसों हो गए थे। मैं जानती हूँ कि जब तुम्हारे पापा जिंदा थे तभी तुम लोगों ने अच्छा खाना खाया है, और जब से तुम्हारे पापा हमें छोड़कर गए हैं तब से तुम्हें रूखा सूखा ही खाने को मिल रहा था। लेकिन अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, अब तुम्हारी माँ है ना तुम्हारे साथ, तुम्हें रोज अच्छा अच्छा खाना खाने को मिलेगा। और माँ जी, आपको भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप भी पेट भर के खाना खाओ।
सच में बहू हो तो तेरे जैसी, इतना सब कुछ होने के बावजूद तूने ना बच्चों का साथ छोड़ा और ना मेरा साथ छोड़ा, बल्कि हम सबकी माँ बनके हमें एक साथ लेकर चल रही है। माँ जी, आप सब तो मेरी जिंदगी का हिस्सा हो। एक मेरी किडनी है, एक मेरा दिल और एक मेरी सांसें, जिसके बिना मैं रह नहीं सकती। अच्छा माँ, तुम अपने लिए भी तो निकालो। अब जब हम खाना खा ही रहे हैं तो साथ में ही खाते हैं ना। सीमा अपने परिवार के साथ पेट भर के खाना खाती है। उसके बाद रात के बर्तन और साफ सफाई करने के बाद वह अपने परिवार के साथ सो जाती है। ऐसे ही अगली सुबह सीमा फिर से दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए काम पर जाती है। वहां पर एक अनिल नाम का आदमी था। सीमा दिखने में काफी सुंदर थी। अनिल की बुरी नजर सीमा के ऊपर थी। वह बार बार सीमा को परेशान किया करता था। देखो, मैं एक गरीब विधवा हूँ और अगर किसी गरीब विधवा को परेशान करोगे ना तो तुम्हें नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। भलाई इसी में है कि ऊपर वाले से डरो। अगर बुरे कर्म करोगे तो तुम्हें बुरा फल ही मिलेगा। अरे, बुरे फल की चिंता कौन करता है? तुम्हें देखकर तो अच्छे अच्छे का मन डोल जाए। रुको, तुम ऐसे नहीं मानोगे। सीमा आंखें बंद करके जादुई पालक को याद करने लगती है। जादुई पालक सीमा को अपनी जादुई शक्तियों से काफी ताकतवर बना देते हैं। सीमा एक औरत होने के बावजूद अनिल को बहुत बुरी तरह से मार मार के धूल चटा देती है। अनिल भी सीमा की यह ताकत को देखकर डर जाता है। अरे, तुम्हें क्या हो गया अचानक से? कौन कहेगा कि तुम एक विधवा अबला नारी हो? तुम्हारे अंदर इतनी सारी शक्तियां कैसे आ गई? तुम जरूर कोई देवी हो। तुम्हारे अंदर कोई देवी प्रवेश कर गई है, तभी तुमने मुझ पर इस तरह से हमला किया। मैं अब यहाँ काम नहीं करूँगा। इतना बोलकर अनिल वहाँ से भाग जाता है। आसपास खड़े सभी लोग सीमा को देखकर बहुत खुश होते हैं और उसकी इस बहादुरी पर तालियां बजाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद सीमा अपने घर आ जाती है। घर आने के बाद वह जादुई पालक से कहती है, वैसे एक बात कहूँ जादुई पालक, जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो ना, तब से कुछ ना कुछ अच्छा ही हो रहा है। अब मुझे किसी से डर नहीं लगता। अब जब भी मेरे साथ कुछ भी होता है ना, तो मैं आंखें बंद करके तुम्हें याद करती हूँ और तुम मेरी मदद करने के लिए वहां आ जाते हो। सच में तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे आजकल के समय में लोग अपने मतलब के लिए ही हमें याद करते हैं। तुम बहुत अच्छी हो, तुमने कभी अपने स्वार्थ के लिए मुझसे कुछ नहीं मांगा। वैसे अब तुम चिंता मत करो, आज मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। जादुई पालक सीमा की गरीबी को दूर करने में उसकी मदद करता है। सीमा के लिए वह बहुत बड़ा सुंदर सा घर बना देता है। उस घर में जरूरत का हर सामान था। सीमा के पास अब किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। दूर दूर से लोग सीमा से आर्थिक मदद लेने के लिए उसके पास आया करते थे। ऐसे ही एक दिन सीमा की बहन रीमा कुछ दिनों के लिए सीमा के घर आ जाती है। वैसे मानना पड़ेगा तुम्हें, अचानक से ऐसा क्या हो गया जो तुम इतनी अमीर हो गई? तुम्हारे पास घर, बंगला, गाड़ी, पैसा सब कुछ आ गया। पति के जाने के बाद तो तुम बहुत कंगाल हो चुकी थी मेरी बहन, अचानक से ये सब। अरे बहन, तू आम खा, गुठलियां क्यों गिन रही है? और वैसे भी तुझे तो खुश होना चाहिए कि तेरी बहन ने अकेले इतना सब कुछ कर लिया। अब कैसे क्या हुआ यह जानने की कोशिश मत कर। हाँ हाँ, मैं तो बहुत खुश हूँ तेरी खुशी में। मैं तो बस मैं पूछ रही थी, कहीं तू कोई गलत काम तो नहीं करने लग गई। मैं सीमा हूँ, गरीबी में दो रोटी कम खाना पसंद करूंगी, लेकिन कभी भी गलत काम नहीं करूंगी। इसलिए तू तो मुझे मत ही बता कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। याद करती हूँ वो दिन जब मेरे पति मुझे छोड़कर गए थे, तब एक भी रिश्तेदार ने मेरा साथ नहीं दिया। हर किसी ने अपने हाथ पीछे खींच लिए। अच्छा चल, सब छोड़, अब जल्दी से मुझे कुछ खाने को दे। सीमा अपनी बहन के लिए नाश्ता वगैरह बनाने लगती है। रीमा की नजर सीमा की तरक्की के पीछे थी। वह जानना चाहती थी कि अचानक ऐसा क्या हुआ जिस वजह से सीमा की किस्मत इतनी बदल गई। सीमा किचन में जादुई पालक से बातें कर रही थी। जादुई पालक, देखो, मैं जानती हूँ कि तुमने मेरी बहुत मदद की है। आज मैं जो कुछ भी हूँ वह सिर्फ तुम्हारी वजह से हूँ।
लेकिन अब मेरी तरक्की देखकर ना हर कोई यह जानने की कोशिश कर रहा है कि अचानक से क्या हुआ जो मैं इतनी अमीर हो गई। मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम मेरी गैर मौजूदगी में मेरे पूरे परिवार और मेरे घर के ऊपर अपनी नजरें बनाए रखना, ध्यान देना है तुम्हें। अरे सीमा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक तुम्हें किसी भी चीज की कोई चिंता नहीं होगी। रीमा अपनी बहन और जादुई पालक की सारी बातें सुन लेती है। वह समझ जाती है कि उसकी बहन की तरक्की के पीछे जादुई पालक का हाथ है। ऐसे ही रात को सभी लोग घर में खाना खाकर सो जाते हैं। रीमा उठकर रसोई घर में जाती है और वह जादुई पालक को चुरा कर अपने बैग में रख लेती है और अगली सुबह बिना किसी को बताए वहां से जाने लगती है। रीमा जैसे ही अपना कदम घर की चौखट पर रखती है, अचानक से उसे एक करंट लगता है और वह पीछे की ओर गिरती है। तभी वहां पर सीमा आ जाती है और सीमा उसे संभालने लगती है। अचानक से जादुई पालक उसके बैग में से निकल जाता है और बोलता है, सीमा यह तुम्हारी बहन नहीं बल्कि तुम्हारी असली दुश्मन है। यह तुम्हारा यहाँ हाल चाल लेने नहीं बल्कि तुम्हारी कामयाबी पर नजर लगाने आई थी। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी रीमा कि तुम अपनी बहन के लिए यह सब भी करोगी। हाँ तो तुझे क्या लगता है कि जादुई शक्ति की असली हकदार तू ही है क्या? कम से कम अगर तूने गलती की है तो उसे गलती को मान तो सही। सीमा अपनी बहन से कह दो कि वह जादुई शक्तियों के बारे में कभी किसी से कुछ ना कहे। मैं तो बताऊंगी, वो कहते हैं ना खुद भूखी रहूंगी तो सामने वाले को भी भूखा ही रखूंगी। रीमा जादुई पालक और सीमा के सामने बहस करने लगती है। तभी जादुई पालक अपनी शक्तियों से रीमा की एक हफ्ते पहले की याददाश्त ही खत्म कर देता है। अच्छा बहन, तेरे घर आके बहुत अच्छा लगा, अब मैं चलती हूँ यहाँ से, ध्यान रखना अपना। इतना बोलकर रीमा वहां से चली जाती है। तभी सीमा जादुई पालक से कहती है, अरे अचानक से इसे क्या हुआ? तुम्हारी बहन बहुत चालाक है, इसलिए मैंने इसके दिमाग से वह याददाश्त ही मिटा दी जो हमारे लिए हानिकारक थी। इसने जादुई पालक के बारे में क्या सुना क्या देखा वह मैंने सब कुछ हटा दिया ताकि यह किसी को कुछ भी ना बता पाए कि तुम्हारी तरक्की के पीछे किसका हाथ है। सीमा जादुई पालक का फिर से शुक्रिया अदा करती है। इस तरह से जादुई पालक सीमा की मदद करता है और हर अच्छे बुरे सिचुएशन में उसका साथ देता है। पार्क में सभी सब्जियां खेल रही थी कि तभी बैंगन भी अपनी बैसाखी के सहारे वहां पर पहुंच जाता है और उन सबको खेलता हुआ देखता है। तभी बॉल उसके पास आती है, वह अपने एक पैर से उस पर जोर से किक मारता है। मुझे भी अपने साथ खिला लो। क्या कहो तुमने, तुम हमारे साथ खेलोगे? अपनी हालत देखी है, एक पैर से भी भला खेला जाता है? तुम इन्हीं बैसाखियों के सहारे खड़े हुए अच्छे लगते हो। अरे क्या हुआ, यहाँ क्यों खड़े हो, चलो जल्दी आओ। सुनी तुमने इस लंगड़े बैंगन की बात? क्या हुआ, क्या कह रहा है? तुम्हें पता है वो लंगड़ा बैंगन कह रहा है कि मुझे अपने साथ खिला लो। अच्छा चलो चलो, हमें उसे अपने साथ नहीं खिलाना। बैंगन के साथ हमेशा ऐसा ही होता था, वे सिर्फ ललचाई नजरों से सबको देखता रहता था कि कोई उसके साथ खेलेगा, कोई उसके साथ खाना खाएगा या कोई उसके साथ पढ़ने के लिए जाएगा, लेकिन सब उससे दूर दूर रहते थे, उसका मजाक बनाते थे। माँ, सब बच्चे मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों करते हैं? मैं तो किसी से भी नफरत नहीं करता, मुझे तो सब अच्छे लगते हैं। यही तो तेरे अंदर खूबी है बेटा, और उस खूबी को कभी खत्म मत होने देना। तुम सबसे अलग हो, तुम सबसे प्यारे हो। तुम्हारा मन अगर खेलने का है तो चलो हम दोनों माँ बेटा खेलते हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो हम गार्डन में चलते हैं और वहाँ पर जाकर जो हमारा बेटा कहेगा वही खेलेंगे। ये सुनकर बैंगन खुश हो जाता है। फिर वह अपने माता पिता के साथ अपने गार्डन में जाकर खेलने लगता है, पर थोड़ी ही देर में वह देखता है कि उसके माँ बाप थकने के कारण हाँफने लगते हैं। उसे बहुत दुख होता है, वह अपने माता पिता से कहता है, बस माँ बाबा और नहीं खेलना, मैं थक गया हूँ, पर मजा बहुत आया, बहुत अच्छा लगा। फिर वे सब लोग घर के अंदर आ जाते हैं और बैंगन की माँ खाना बनाने लगती है। बैंगन सपनों में खो जाता है कि अगर उसका पैर ठीक होता तो वे भी और बच्चों के साथ खेलता कूदता, उनके साथ रेस लगाने जाता,
पेड़ों पर चढ़ता। एक दिन सारी सब्जियां पढ़ाई कर रही थी कि तभी बैंगन को टीचर अपने पास बुलाती है। वह अपनी बैसाखी के सहारे टीचर के पास जा ही रहा था कि घिया उसके पैर में पैर अड़ा देता है, जिस कारण वह धड़ाम से नीचे गिर जाता है। उसके गिरते ही सारी सब्जियां उस पर हंसने लगती हैं। क्या हुआ बैंगन, तुम यहाँ तक भी नहीं आ सकते हो? अंधे हो गए हो क्या? नहीं मैम, घिया ने मेरे पैर में पैर अड़ा दिया था। नहीं मैम, ये झूठ बोल रहा है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। बैंगन बहुत सफाइयां देता है लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता। वे स्कूल के पार्क में बैठकर रोने लगता है। तभी वहां पर करेला आता है और बैंगन से कहता है, उदास मत हो, लोगों का तो काम ही कहने का होता है। क्या तुमने नहीं देखा, सब लोग मुझे कड़वा करेला कहकर चिढ़ाते हैं, लेकिन मैं कभी किसी की बात का बुरा नहीं मानता, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे अंदर क्या खूबी है और क्या कमी है। पर मेरे अंदर तो कोई भी खूबी नहीं है। देखो मेरा पैर खराब है, पढ़ाई में भी मैं ज़्यादा अच्छा नहीं हूँ और परिवार से भी मैं बहुत गरीब हूँ। तुम चिंता मत करो, देख लेना एक दिन तुम्हारा भी दिन आएगा और ये सारी सब्जियां तुम्हारे पास मदद मांगने के लिए भी आएंगी। पता नहीं मेरी किस्मत में क्या है, पर मुझे अच्छा लगा तुम मेरे पास आए, तुमने मुझसे बातें की। फिर वे दोनों बातें करते करते अपने अपने घर की तरफ चले जाते हैं। लेकिन आज जो कुछ भी क्लास में हुआ था उसे बैंगन का मन बहुत उदास था। वे अपनी माँ को सारी बात बताता है। ये मायूसी भरी बातें करना छोड़ो बेटा, ये सोच सोच के तुमने खुद को भी कमजोर बना लिया है। अच्छा सुनो, तुम्हारी मौसी का बुलावा आया है, तुम्हें बुला रही है। तुम्हारी छुट्टियां पड़ने वाली है ना, इस बार तुम अपनी मौसी के यहाँ चले जाओ, वहां पर तुम्हें अच्छा लगेगा। ये सुनकर बैंगन बहुत खुश होता है। एक हफ्ते बाद जब उसके स्कूल की छुट्टियां पड़ती हैं तो वह अपना बैग लेकर मौसी के घर की तरफ निकल जाता है। रास्ते में वह देखता है कि एक आदमी घायल अवस्था में पड़ा हुआ था और पानी पानी कहकर पानी मांग रहा था। बैंगन उसके पास जाता है और अपने बैग में से पानी निकाल कर उसे पिलाता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, मैं एक जादूगर हूँ और अपनी जादुई नगरी से यहाँ पर आया था। यहाँ पर आकर मेरा कीमती सामान गुम हो गया है, जिससे मेरा जादू काम नहीं कर रहा। मैंने उसे सारी जगह खोजा पर वह मुझे नहीं मिला और मुझे पानी भी नहीं मिला। प्यास से मेरा बुरा हाल था, तुमने मुझे पानी पिलाकर नया जीवन दिया है। बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद करूं? नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये पानी की बोतल भी तुम अपने पास रख लो, मैं अपनी मौसी के घर जा रहा था जो थोड़ी ही दूरी पर है। अच्छा तो तुम एक काम करो, यह रुमाल लो और आते समय यहीं इस जगह पर आकर इस रुमाल को हिला देना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा, तुम मेरी जादुई नगरी में चलना। ठीक है। बैंगन वहां से अपनी मौसी के घर चला जाता है। कुछ दिन अपनी मौसी के घर में बिताने के बाद जब उस जगह से वापस आता है तो उसे जादूगर का ख्याल आता है। वह रुमाल निकालकर उस रुमाल को हिलाता है कि तभी वहां पर जादूगर आ जाता है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि तुम मुझे भूले नहीं, मैं तुम्हें अपनी जादुई नगरी दिखाता हूँ। जादूगर बैंगन को अपनी नगरी में लेकर जाता है। वह देखकर हैरान हो जाता है कि वह बहुत ही सुंदर लग रही थी। वहां पर सारी चीजें जादू से हो रही थी, वहां पर पशु भी उड़ने वाले थे। कैसा लगा मेरा देश? सब कुछ बहुत अच्छा है, कम से कम मेरे नगर से तो अच्छा ही है। मेरी नगर में तो सब कुछ मेरी इच्छा के विपरीत ही होता है। वहाँ सारी सब्जियाँ मेरा मजाक उड़ाती रहती हैं, मेरे कालेपन का, मेरे लंगड़े होने का, मेरी गरीबी का। ये कहकर बैंगन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तुम रोते हुए अच्छे नहीं लगते, तुम तो बहुत बहादुर हो और तुम्हारा मन भी कितना अच्छा है। और रही बात तुम्हारी कमजोरियों की, तो आज के बाद तुम वो सब बात कभी मत करना, क्योंकि जब तुम अपने नगर जाओगे तो तुम बिल्कुल बदले हुए होगे। क्या मतलब तुम्हारी इस बात का? तभी जादूगर अंदर जाता है और अपनी छड़ी उठाकर ले आता है। वह बैंगन पर 7 बार छड़ी घुमाता है।
वहाँ पर रंग बिरंगी रोशनी निकलनी शुरू हो जाती है। थोड़ी देर बाद जब सब कुछ शांत हो जाता है तो बैंगन अपने बदले हुए रूप के साथ था और बैंगन काफी सुंदर लग रहा था। उसके दोनों पैर ठीक हो चुके थे और बैंगन को जादू भी आ गया था। कुछ दिन मेरे साथ रहो फिर अपने नगर जाना। आज के बाद तुम एक जादुई बैंगन हो और तुम कुछ भी कर सकते हो। क्या मैं भी अमीर हो सकता हूँ? हाँ हाँ मेरे दोस्त, तुम करोड़पति हो सकते हो। बैंगन बहुत खुश होता है। दो तीन दिन वह जादूगर के पास रहकर अपने घर आता है। बैंगन की माँ अपने बेटे को पहचान ही नहीं पाती। फिर वह अपनी माँ के गले लगता है और उसे जादूगर वाली बात बताता है तो उसके माता पिता दोनों बहुत खुश होते हैं। माँ, अब हम इस छोटे से घर में नहीं रहेंगे। रुको, देखो मैं अपने जादू से क्या करता हूँ। तभी बैंगन अपना जादू दिखाता है और उसका बहुत बड़ा सा घर बन जाता है। बाहर सुंदर सुंदर गाड़ियां खड़ी होती हैं। उसके माँ बाप भी बहुत अमीर लग रहे थे। सुंदर सुंदर गहनों में उसकी माँ बड़ी सुंदर लग रही थी। अचानक से बैंगन की काया पलट होता देख सारी सब्जियां उसके घर आ जाती हैं। अरे बैंगन, तुमने ये कैसे किया? तुम तो करोड़पति बन गए। उस दिन के लिए मुझे माफ कर दो, आज से हम दोनों दोस्त। मुझे बहुत खुशी है, मेरा दोस्त करोड़पति है। हमें भी बहुत खुशी है, तुम तो करोड़पति हो गए। क्या थोड़ी बहुत मदद तुम हमारी भी करोगे? हमें भी पैसों की बहुत जरूरत है। अचानक से सभी सब्जियों को अपने बारे में अच्छा अच्छा बोलता देख बैंगन को बड़ी हैरानी हो रही थी। वह मन ही मन सोच रहा था कि सारी माया पैसे की है। जब वह गरीब था, लाचार था, तो कोई भी उसका दोस्त नहीं बनना चाहता था। और आज बिन बुलाए सब लोग दोस्त बनने के लिए आ गए हैं। बैंगन सबको अपने घर में चाय पानी पिलाता है। जब सब लोग चले जाते हैं तो वह देखता है करेला दूर से ही बैंगन को देख रहा है। बैंगन भाग कर जाता है और करेले को गले लगा लेता है। तुम यहाँ छुपकर क्यों खड़े हो मेरे दोस्त? आओ अंदर आओ। यह सब क्या चमत्कार है, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। तुम करोड़पति बन गए हो, तुम्हारा पैर ठीक हो गया है और सब तुम्हें अब अपना दोस्त बनाना चाहते हैं। इनमें से कोई भी मेरा सच्चा दोस्त नहीं बन सकता। यह दोस्त बनने के लिए सिर्फ इसलिए आए हैं क्योंकि आज मेरे पास पैसा है। यहाँ पर अगर कोई मेरा सच्चा दोस्त है तो वो तुम हो। वह कैसे? याद है तुमने एक दिन कहा था कि तुम एक दिन बहुत चमकोगे, और देखो आज मैं करोड़पति बन गया हूँ। मेरे पास असीम जादू शक्तियाँ हैं। मुझे खुशी है मेरे दोस्त कि तुमने मुझ जैसे गरीब करेले को अपना दोस्त बनाया। बिल्कुल भी तुम गरीब नहीं हो। जब तुम्हारा दोस्त अमीर है तो मेरी दोस्ती अमीर ही है। तभी बैंगन करेले को लेकर उसके घर के पास जाता है और अपने जादू से उसके घर को भी सुंदर बना देता है। बाकी सब सब्जियां जब यह देखती हैं तो वह करेले से जलने लगती हैं। हाँ मेरे पास जादू भी है, मैं जादू से कुछ भी कर सकता हूँ। तो फिर हम सबको भी अमीर बना दो। मैं तुम सबको अमीर तो बना देता, लेकिन तुम सब मेरे दोस्त नहीं हो। करेला तो मेरा दोस्त है और दोस्त के लिए तो जान भी हाजिर है। सारी सब्जियां उदास हो जाती हैं और वहां से चली जाती हैं। अब बैंगन की जिंदगी बिल्कुल बदल चुकी थी। वह अपने दोस्त करेले और अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश था। वह अपने जादू से हर संडे को अपनी फैमिली और करेले की फैमिली को दूर देश विदेश घुमाता था और यह देखकर बाकी सारी सब्जियां उनसे जलने लगती थी। बैंगन का दिल अच्छा था। जब वह किसी को मुसीबत में देखता तो चुपके से उसकी मदद कर दिया करता था और इसी तरह आगे की जिंदगी बहुत खुशी खुशी बीतने लगती है।